हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु सिंह है और मैं हूँ ओरिफ्लेम टेक्निकल गाइड। ओरिफ्लेम के साथ मैं डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक और वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ऑल न्यू मेंबर्स एवरीवन के लिए। तो आज की वीडियो है कि हम पेटीएम से ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो पेटीएम से ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने जो प्रोडक्ट हैं आपके, वो आपने अपने बैग में ऐड कर लेने हैं। प्रोडक्ट बैग में किस तरीके से ऐड करते हैं उसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वीडियो लिस्ट में जाके उसका जो लिंक है वो आप चेक कर सकते हो, वो वीडियो चेक कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, ये वीडियो मतलब जो प्रोडक्ट है वो ऐड कर लिए। नीचे आपको टू टाइप्स ऑफ कैटलॉग नज़र आएगी। एक कैटलॉग नज़र आ रही है आपको 130 की, ये 5 कैटलॉग का सेट्स होता है। इन इट मीन्स कि अगर आपको अपने कस्टमर या फिर आपके जो भी रिलेटिव है उनको अगर आपने कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है फॉर ऑर्डर कलेक्शन, तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी जो 149 रुपीज़ की MRP है वो आपको 130 में मिल रही है, एक्स्ट्रा 5 कैटलॉग का सेट। एंड एक आपको कैटलॉग मिलेगी 10 रुपीज़ में, तो आप 10 रुपीज़ वाली कैटलॉग रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 130 वाली कैटलॉग आप ना लें, कैटलॉग आप नहीं लेना चाहते हैं, उस केस में यहाँ पे जो एक्स का बटन है, क्रॉस का साइन है या ये माइनस का साइन है, इस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है और आपकी कैटलॉग हो जाएगी डिलीट। तो कैटलॉग डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 101 का प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, मैंने पूरा जो साइट है वो ऐड कर लिया है। अब क्या करना है मुझे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देती हूँ। कंटिन्यू बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को वेब ऑफ़र नज़र आते हैं। वेब ऑफ़र होता क्या है, ओरिफ्लेम आपको देती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफ़र में जो आप ले सकते हैं ओरिफ्लेम के थ्रू। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ भी परचेस करना चाहते हैं फ्रॉम ओरिफ्लेम, तो आपने जस्ट ऐड टू बैग पे क्लिक कर देना। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको स्किप करें और आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देती हूँ। देन आता है हमारा डिलीवरी ऑप्शन। तो आपने जहाँ भी प्रोडक्ट मंगाना है अपने फ्रेंड के यहाँ या अपने यहाँ, तो होम एड्रेस जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन अगेन आपको एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ, मैंने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। अब आता है मेरा पेमेंट ऑप्शन। तो हमारा जो पेमेंट ऑप्शन है वो है पेटीएम। तो हमें पेटीएम सेलेक्ट करना है। पेटीएम सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ ई वॉलेट आपको नज़र आ रहा है, आपने जस्ट ई वॉलेट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देती हूँ ई वॉलेट पे। और ई वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मेरा ई वॉलेट सेलेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन मार्क है यहाँ पे आ चुका है, ई वॉलेट मेरा सेलेक्ट हो गया है। तो चलिए आगे क्या करना है, आगे अगेन कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सुबह प्रोडक्ट रिव्यू देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो नहीं है या फिर आपका डबल प्रोडक्ट तो ऐड नहीं हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं डबल प्रोडक्ट ऐड हो गया, वो कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे ना, ये क्वांटिटी दी हुई है। तो अगर आपको वन प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे वन ही आएगा, अगर टू अगर हो गया तो इनमें डबल हो गया। एड्रेस आप देख सकते हैं, उसके बाद ई वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, देन आ रहा है हमारी पूरी ऑर्डर समरी। अब क्या करना है, अब केवल हमें पे पे क्लिक कर देना। तो चलिए मैं पे पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैं पे पे क्लिक करती हूँ, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा जो हमारा एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ तक, यानी कि पेटीएम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक नहीं तीन टाइप के वॉलेट मिल रहे हैं, ठीक है। पहला आपको जो मिल जा रहा है पेटीएम, और मिल रहा है आपको दो वॉलेट और मोबीक्विक और ओला मनी। अगर आप इससे भी ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बेसिकली मैं पेटीएम को यूज़ कर रही हूँ, तो आप ये पेटीएम जो बटन दिख रहे यहाँ पे दिख रहा है, पेटीएम पे आपने क्लिक करना है। और ये जो एरो है इस पर एक्चुअली क्लिक करना है, तो डाउन एरो हो जाएगा। एरो होते ही ये मेरा पेटीएम ओपन हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि मेरा जो ऑर्डर है 5378 रुपीज़ का है। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर देती हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो ही फिल कर देना है। मैं अपना कोई भी मोबाइल नंबर जो है मैं फिल कर देती हूँ। मोबाइल नंबर फिल करते ही मेरा पेटीएम वॉलेट मोबाइल नंबर है। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये पोस्टपेड वॉलेट कार्ड या फिर UPI अकाउंट से भी हो सकता है। तो आपने ये सब डाल के प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो चलिए प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको उस तरीके कुछ प्रोसेस नज़र आएगा जहाँ पे आपको OTP मांगा जाएगा।
आपके मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, वहाँ OTP आपको जो है रिसीव हो जाएगी। OTP आपने फिल करनी है और फिल करने के बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक कर देते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और आप इजीली अपना पेटीएम के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे कंटिन्यूसली, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहे।